नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। सबसे पहले जी बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सिक्योरिटी काउंसिल को बाकायदा तौर पे फ़लस्तीन को एक स्टेट की हैसियत से यू नो एक्सेप्ट करने का, उसको पूरी दुनिया में ये दर्जा देने का फ़ैसला किया है, एंड दिस इज़ अ बिग रिपोर्ट। तो आइए सबसे पहले इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हामिद अल मशरकी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है, इसको फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास साहब ने इसका खैर मकदम किया है। इन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीनी अवाम की जो काविशें हैं और पे उसको एक्सेप्ट करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल का ये वोट आया है, तो ये बड़ा अहम है। किस तरह देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं ये समझता हूँ कि ये वो फ़लस्तीनियों का हक है जिसको दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा और करना चाहिए था बहुत पहले। इसके अंदर एक अहम बात यह है कि चंद दिन पहले यूरोप के बहुत सारे ममालिक ने इस बात का अंदिया भी दिया कि वो ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन को बतौर अलहदा मुल्क और रियासत हम तस्लीम करें और इसके सिलसिले में अब जो है वो फौरी तौर पर इकदाम हो। लेकिन यहाँ पर जो सैडली बात यह है कि एक बार फिर सलामती काउंसिल में अमेरिका ने इस करारदाद को वीटो कर दिया और उसी तरह वीटो किया जिस तरह वो पिछले 30 से 40 करारदादें इसराइल के हक में पिछले 75 साल में वीटो कर चुका है और उसकी वजह से कोई भी करारदाद जो है वो फाइनली तौर पर अमली जामा पहनने से रह जाती है। लेकिन एक बात साबित होती है कि दुनिया के 143 ममालिक इस बात पर अब एग्री हैं कि फ़लस्तीन को बतौर अलहदा रियासत तस्लीम करना ही फ़लस्तीन और इसराइल के मसले का हल है और अगर ये ना किया गया तो ये बहुत बड़ा खित्ते में जंग का सबब बनेगा और इतनी हलाकतें जो इसराइल कर रहा है इससे रोकने के लिए एक बात बहुत जरूरी है, ये कि दुनिया सफारती सतह पर फ़लस्तीन के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक का बहुत बड़ा किरदार है इस करारदाद को लाने में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और खास तौर पे हामिद साहब यहाँ पे ये बात करनी अहम होगी कि अगर हम देखते हैं फ़लस्तीन का नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस साल 2012 से था, अभी भी कई ममालिक ने इसकी मुखालफत की, 25 ममालिक जिसमें अमेरिका भी शामिल है, आपने कहा कि उन्होंने अभी भी इसके ऊपर एब्सटेन किया, इसको कहा कि जी नहीं, बल्कि अगर हम कहें कि अगेंस्ट वोटिंग की बात करें तो उसमें अमरीका, अर्जेंटीना, चेक रिपब्लिक, हंगरी, इसराइल और माइक्रोनेशिया, नाराओ, पालाओ और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं, जबकि जिन्होंने एक तरह से एब्सटेन किया कि वो वोटिंग में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया उसमें बरतानिया भी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जैसे आपने भी इशारा दिया कि यूरोप के कई ममालिक ने फ़लस्तीन का स्टेटस एक्सेप्ट किया है। एक इस तरफ इशारा करता है हामिद साहब कि जो बयानिए की जंग है, जो प्लाइट है, पूरी दुनिया में एक नई लहर नज़र आई है। अगर हम समझते थे कि ये इशू डेड है, ये साला साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके ऊपर लोग कान नहीं धरते, इसकी तकलीफ को महसूस नहीं करते, तो हालिया जो डेवलपमेंट्स रही हैं, बिलखसूस अगर देखें कि पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स ने जिस तरह इसके ऊपर एक स्टांस लिया है, गिरफ्तारियां दी हैं, मजालिम बर्दाश्त किए हैं, जेलों में उनको डाला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक नई वेव है जिसको मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इसका खैर मकदम और इसको नोटिस किए बगैर नहीं रह सकती। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल सिदरा, दुनिया में जितनी भी बड़ी ताकतवर तहरीक है ना, उनके अंदर स्टूडेंट्स का किरदार बहुत अहम रहा, उनके अंदर यंगस्टर्स का किरदार बहुत अहम रहा। हमने देखा कि वियतनाम की जंग में जब अमेरिका को शिकस्त हो रही थी तो इसी तरह अमेरिकी स्टूडेंट्स बाहर आए, उन्होंने मजबूर किया अमेरिका को वियतनाम जंग खत्म करने पर। आज भी इसी तरह है कि अमेरिका के अंदर और फिर चाइना में, पूरी दुनिया में जिस तरह स्टूडेंट्स बाहर आना शुरू हुए हैं, इससे एक बात साबित हुई है कि जो नौजवान नस्ल है वो मुकम्मल तौर पर इस जो इशू है उससे ना सिर्फ अवेयर है बल्कि वो जानती है कि इसमें जालिम कौन है और मजलूम कौन है, इसमें जो है वो हकूक को जो है वो गसब किया जा रहा है।